फैसल वॉडा साहब जो आर्मी चीफ का बयान है कम अज़ कम उससे एक चीज़ तो मुझे तो जो समझ आती है कि वो इमरान खान फ़िलहाल जेल में ही है बाहर आने का कोई इम्कान नहीं बहुत शुक्रिया मालिक साहब देखिए मारिक साहब मैं तो आपके शो पर बहुत दफा बाकी शोज पे भी लेकिन आपके शोज पर मुझे इन बहुत क्लियरली याद है काफ़ी महीनों से अब तो कह रहा था कि ना डील है ना ढील है नंबर एक नंबर दो ये कि नौ मई के वाक़े को लेडगो नहीं किया जाएगा चाहे उसके लिए कानून भी बदलना पड़े बदलेंगे ये भी मैं कह रहा था और जो आज की स्टेटमेंट है उसमें जो आपने जो इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताइए उसमें जो डिजिटल टेररिज्म का लफ्ज यूज़ हुआ है तो डिजिटल टेररिज्म का मतलब ये कि जो सलूक टेररिज्म के साथ होता है क्रॉस बॉर्डर विद इन द कंट्री वही डिजिटल टेररिज्म के तहत वो उसी जुमरे में उसी तरह ट्रीट किए जाएंगे जैसे आप आम टेररिस्ट को ट्रीट करते हैं इसमें बड़ी क्लियर फाइन लाइन क्लियर हो गई नंबर दो नंबर तीन ये कि ये जो मौलाझट की सियासत थी जो हमने पिछले बहत्तर घंटे में भी देखी जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सियासत कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब की पार्टी से वो खड़े नहीं वो बैठे नहीं वो लेटे हुए हैं और ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हर जगह लेटे हुए हैं लेकिन उन लेटने के दौरान भी जो वैनम और जो अग्रेशन या आग लगाने की बातें और तड़ियाँ और हम बाप से नहीं माफ़ी मांगेंगे ये नहीं होगा वो नहीं होगा उसकी भी एक फाइन लाइन और डेड लाइन अब आ चुकी है अब जिसका जितना मैंडेट है जितनी जो बात कर सकता है वो चाहे सिर्फ पार्टी की हद तक हो या पार्टी के जुमरे से बाहर भी सबको अपनी अपनी हदों में रहना होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज बाय पाए लार्ज कम्प्लीटली कि इसमें लाइंस बड़ी क्लियर है नौ मई के वाक्य को आप लेट गो नहीं कर सकते किसी दुनिया के अंदर आप सी के साथ नहीं लड़ सकते जिधर ऐसे इकदाम हुए उधर 24 24 घंटे 48 घंटे और 30 30 दिनों तीस दिन थोड़ा नामनासब शायद हो जाए लेकिन आमतौर तो पर जब आपने किसी को टाइटन की न्यूज होता है ना फंदा कसना हो किसी को तो मुझे तो लगता है पी के लिए उस तरह की सिचुएशन है देखिए जदमी साहब ये अगर आप और मैं भी करेंगे तो हमारे लिए भी है तो जो ऐसा करेगा चाहे वो किसी भी पार्टी का हो और इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों के लोग बड़ी जिम्मा हो जाएगी उसमें भी ऐसे ऐसे टोला है शरारती सब कुछ और